फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम सा। मीनल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम ओरियो शेक बनाने जा रहे हैं। ये जितना सुंदर दिख रहा है उतना टेस्टी भी बना है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। एक बार अगर आप बना के अपने बच्चों को खिलाएंगे तो वो दूसरी बार ज़रूर मांग करने वाले इसकी। तो आप तैयार रहिए, और इसको बनाने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो भी देखना पड़ेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, वो तो हमें देखनी पड़ेगी ना। तो इसके लिए हमने चोको चिप्स लिए हैं गार्निशिंग के लिए। आधा लीटर जितना मैंने ठंडा दूध लिया है, बर्फ़ के टुकड़े लिए हैं 6 से 7, और ये मैंने बटर स्कॉच आइसक्रीम ली है आधा कप जितनी। आप चाहो तो वनीला या फिर चॉकलेट भी ले सकते हो। ये चॉकलेट सिरप लिया है मैंने, और ये मैंने 6 पीसेस बिस्किट के लिए है, ओरियो बिस्किट के। तो सबसे पहले हम लोग ओरियो बिस्किट को, ये मैंने व्हिप्ड क्रीम लिया है गार्निशिंग के लिए। देखिए, हमने ओरियो बिस्किट को तो एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें से मैं 2 से 3 टीस्पून जितने, मतलब छोटी चम्मच जितना, इसका पाउडर या फिर इसके क्रम्स अलग से रख लूंगी व्हिप्ड क्रीम में मिलाने के लिए। अब इसी जार में मैं आइसक्रीम डालूंगी। ये आइस क्यूब्स डालूंगी और दूध डालूंगी थोड़ा सा। पहले मैं थोड़ा ही दूध डालूंगी, उसके बाद में ज़रूरत के अनुसार हम और ऐड कर सकते हैं। सो इसको हम एकदम अच्छे से ग्राइंड करके साइड में रख लेंगे। ये मैंने व्हिप्ड क्रीम ले लिया है, अलग से बाउल में निकाल दिया है थोड़ा। अब इसमें मैं चोको चिप्स मिलाऊंगी और ब्रेड क्रम्स मिलाऊंगी। और थोड़ा सा चॉकलेट सिरप भी मिलाने वाली हूँ। अब हम इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए ओरियो बिस्किट का, जो कि बच्चों को तो बहुत ही फेवरेट लगता है। ओरियो के पीछे तो बच्चे वैसे ही दीवाने हैं। अच्छा, ये ग्लास मैंने किसके लिए लिया है, इसमें मैं क्रीम डालने वाली हूँ, फ्लेवर क्रीम, और वो भी पाइपिंग बैग उसके ऊपर रख कर। तो ये देखिए, ये पाइपिंग बैग है। इसको मैं पहले, इसकी जो नोक है नीचे से जो कॉर्नर पोर्शन है, इसको मैं थोड़ा काट दूंगी ताकि इसमें हम नोजल को अच्छे से डाल सके। देखिए, हमने इसमें नोजल डाल दिया एकदम अच्छे से। अब हम इसको स्प्रेड कर लेंगे ग्लास की सहायता से। अब हम इसमें व्हिप्ड क्रीम ऐड करेंगे, फ्लेवर्ड व्हिप्ड क्रीम। आप इसको थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए तो ज़्यादा आसान रहेगा। सो हमारा व्हिप्ड क्रीम एकदम अच्छे से इसमें हमने डाल दिया है। अब मैंने एक बड़ा सा कप लिया है, या मग बोलिए इसको, इसमें मैं चारों तरफ अंदर की तरफ चॉकलेट सिरप फैला दूंगी, ड्रिजल कर दूंगी एकदम अच्छे से। चॉकलेट स्प्रेड करने के बाद अब मैं इसमें ओरियो शेक डाल दूंगी, और उसके ऊपर जो क्रीम हमने व्हिप्ड क्रीम तैयार किया है पाइपिंग बैग में डाल के, उसको ऊपर से हम डेकोरेट कर लेंगे। ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से कर लिया है। देखिए ऐसे कितना सुंदर लग रहा है। इस पर मैंने कुछ चोको चिप्स स्प्रिंकल कर दिए हैं, और ओरियो बिस्किट को मैंने आधे टुकड़े में काट कर अच्छे से इसको डेकोरेट कर लिया है, गार्निश कर लिया है।
ये चॉकलेट सिरप हमने फिर से इसके ऊपर से डाल दिया है, सो इट्स नाउ रेडी। आप इसको एकदम अच्छे से सर्व कीजिए, और बच्चे तो वैसे ही दीवाने होने वाले इसके। सो आई होप यू विल लाइक दिस रेसिपी, ज़रूर बनाइए, टेस्ट कीजिए, और आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजिए कमेंट बॉक्स में, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलिए।